नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, जनता की आवाज। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल नगर पालिका की बड़ी घटना सामने आई है। ज्योति नामक महिला की कोरोना से हो गई थी मृत्यु। नगर पालिका के कर्मचारियों ने मृतक ज्योति के परिवार से अंतिम संस्कार के नाम पर 5,700 रुपए की मांग की। महिला का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होने के कारण तुरंत पैसे देने में समर्थ नहीं था। कुछ घंटों में कर्ज लेकर उन्होंने नगर पालिका किरंदुल को पैसे दिए, तब जाकर के अंतिम संस्कार हो पाया। यह खबर जैसे ही कलेक्टर तक पहुंचा, कलेक्टर ने तत्काल पैसा वापस कराया और जांच के आदेश दे दिए हैं। बस्तर के जंगलों में नक्सली संगठन में दो फाड़ होने की बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। कहा जा रहा है कि कोरोना के डर से कई नक्सली आत्मसमर्पण करने के फिराक में है। निचले कैडर में एक दर्जन से ज्यादा लोग संगठन छोड़कर गांव भाग चुके हैं। इसकी जानकारी पुलिस को बीजापुर मुठभेड़ के बाद प्राप्त नक्सलियों के पत्र से चला है, जिसमें विद्रोह कर भागने वालों के नामों का उल्लेख है। पुलिस अब उनके गांव और रिश्तेदारों से संपर्क कर पता कर रही है, ताकि उनको आत्मसमर्पण कराया जा सके। कोरोना के बाद नया खतरा, दुर्ग जिले में मिले ब्लैक फंगस के 14 नए मरीज। 4 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से एक मौत हो चुकी है। अब 14 नए मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में सख्त निर्देश जारी कर स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। एम्स अस्पताल प्रबंधन ने ब्लैक फंगस मरीज के लिए अलग वार्ड बनाया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर अपने अपने जिलों में जरूरी छूट के साथ जल्द कर सकते हैं आदेश जारी। भाजपा नेता मनोज दुबे का बयान, प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में लॉकडाउन होने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में किसानों को 19,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में पहुंचाकर किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया है। साथ ही मनोज दुबे ने सभी से वैक्सीन लगाने की भी अपील की।